दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग दोस्तों डिलीट करने जाएंगे तो उनको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम सर्च करके आपको अपडेट कर देना। अपडेट करने का सिंपल सा आपको यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन जैसे कर यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम जो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद सिंपल सा आपको अपना प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने का तो सबसे ऊपर में देख सकते हो उसके बगल में आपको यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थ्री लाइन वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम का जो सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते ऊपर में ही यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हो मेटा का जो अकाउंट सेंटर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने का नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करना है। नीचे स्क्रोल करेंगे यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो नीचे में आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। और नीचे में थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको तीन नंबर में अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तीन नंबर में, तो आपको यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का जो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसको ओपन होने का नीचे में देख सकते हो डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसमें जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम का जो आईडी है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसका दोस्तों आपको जो भी अकाउंट को एडिट करना है सिंपल से आपको यहाँ पे इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे सिलेक्ट करें यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहला में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो डीएक्टिवेट अकाउंट। अगर आप दोस्तों कुछ दिन के लिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यहाँ से भी डीएक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में देख सकते हो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हो आपसे यहाँ पे रीजन पूछा जाएगा कि आप किस वजह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप रीजन सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन सिलेक्ट करने का नीचे में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम का पासवर्ड पूछा जाएगा, जो भी आपने पासवर्ड सेट कर रखा है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड यहाँ पे चेंज करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी दोस्तों आपने सेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दोस्तों पासवर्ड जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेव है गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो चुका है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। दोस्तों आज कितना तारीख है, तो यहाँ पे देख सकते हो आज 30 सितंबर है। दोस्तों यदि मैं ये अकाउंट जो है यहाँ पे आज डिलीट करूंगा तो दोस्तों हमारा जो अकाउंट यहाँ पे डिलीट होने में 30 दिन का समय लगता है। मैं डिलीट करूंगा 30 सितंबर को, तो मेरा अकाउंट डिलीट कब होगा, तो 30 अक्टूबर को होगा। आप दोस्तों 30 दिन के अंदर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे फिर से, तो दोस्तों आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके आपको 30 दिन के बाद लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट जो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जो यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो दूसरा इंस्टाग्राम जो आईडी है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम जो अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो चुका है।
तो आप इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। जो भी दोस्तों मैंने प्रोसेस बताया, इस तरह से आप अपने नए प्रोसेस से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जो भी मैंने आपको यहाँ पे सेटिंग बताया सब आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जाइए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। और लास्ट में जाते जाते आपको छोटा सा काम कर लेना, अगर आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप शॉपिंग करते हैं, अमेजन से करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं, तो इस टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लूट डीट्स आते रहते हैं, जिसका दोस्तों मैं अपडेट टेलीग्राम पे देते रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छा खासा सेविंग हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लूट डीट्स आते रहते हैं, जिसका दोस्तों मैं यहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे चीप प्राइस में आप कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज कर सको। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।